भाभी जी घर पर हैं। बस आपके डैडू आ चुके हैं और तिवारी जी के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम चल चुका है। क्या बोले हो? बोल तो कुछ नहीं रहे लेकिन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? आपका दूसरा विवाह। नहीं। आपके साथ एक लौंडा लेके आए टिर्रीसा, कह रहे हैं कि कच्चा बनियान तो किसी काम का रहा नहीं, अब मैं अंगूरी की शादी इस लौंडे से कराऊंगा, टिर्री से लौंडे से। और डैडू को कौन बताया कि लड्डू के भैया पगला गए हैं? एक्चुअली भाभी जी मैंने उन्हें फोन करके बुलाया था और मैंने उन्हें सब कुछ बताया था। आप बताए डैडू को? ड्रैकुला क्या होता है? ड्रैकुला क्यों खून पीता है? वो धूप आने से क्यों बेचैन हो जाता है? पता है तुम्हें बचपन से मुझे इस सब्जेक्ट से पैशन है, मुझे इस सब्जेक्ट से फिक्सेशन है। मुंह बंद करो और चुपचाप झाड़ियों में छुप जाओ। लेकिन मैं क्यों छुप जाऊं? भाभी जी की कटोरी में लाल लाल क्या है? खून है। सो रही हो पगली? देखना चाहते हैं आप लोग ड्रैकुला? बड़ा शौक है आपको ड्रैकुला देखने का। चाहिए भाभी जी को देख लीजिए, भाभी जी ड्रैकुला है, शी इज अ ड्रैकुला। अरे सब बकवास है, झूठ है ये। तो ठीक है, रात को ठीक 12 बजे आप लोग ये नजारा देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तिवारी जी रात को आप सोएंगे नहीं, भाभी जी पे नजर रखेंगे, वहीं पर आएंगे। मैं ड्रैकुला देखूंगी लाइव ड्रैकुला। आई एम सो एक्साइटेड। सो रही हो पगली? हमारी बीवी ड्रैकुला हो गई है। तुम्हारी बीवी को ड्रैकुला योनि से जरूर मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें टोनी ब्रिगेंजा की आत्मा को खुश करना होगा। इन्हें खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोग उनकी कब्र पर गजल गाने लगे और अपने मन की मुराद पाने लगे। हम गजल गाएंगे बाबा जी, हम गजल गाएंगे। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। वाई बला कुटाल तू जल्ले जलाल तू, वाई बला कुटाल तू जल्ले जलाल तू, वाई बला कुटाल जल्ले जलाल तू, वाई बला कुटाल तू जल्ले जलाल तू, वाई बला कुटाल तू। वाह वाह वाह, क्या गजल सुनाई है तुम लोगों ने, मजा आ गया। आपको कौन है भाई साहब? खाकसार को टोनी ब्रिगेंजा कहते हैं। आप टोनी ब्रिगेंजा हैं? अब अपना आई कार्ड दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो देखने से लग रहा है कि आप ही टोनी ब्रिगेंजा हैं। रियली तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे सुरों में गजल सुनाई है, रूह खुश हो गई। थैंक यू सो मच टोनी ब्रिगेंजा जी, लेकिन हम आपके पास एक फरियाद लेके आए हैं। यहाँ सब फरियाद ही लेकर आते हैं, तुम्हारी क्या फरियाद है? फरियाद ये है कि हमारी बीवी अंगूरी ड्रैकुला बन गई है, वो खून पीती है, कृपया उसे ड्रैकुला की योनि से बाहर निकालिए। एक्चुअली वो बड़ी मासूम है, बहुत भोली भाली है और ड्रैकुली बनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल। ये आप ऐसे काहे हंस रहे हैं? इतनी सी बात, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो खेल जाइए ना, मतलब भाभी जी को ठीक कर दीजिए ना प्लीज। मुझे क्या मिलेगा? हमारे पास गजलों का बहुत बड़ा जखीरा है, हम आपको रोज नई नई गजल सुनाएंगे, है ना? हाँ। इसके अलावा और क्या करोगे? आप हमसे और क्या करवाना चाहते हैं? गन्ने 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 चाहिए मुझे। अच्छा गन्ने चाहिए, ठीक है, दो चार गन्ने हम ले आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं, दो चार नहीं, टेम्पो भर के गन्ने चाहिए मुझे। लेकिन टेम्पो भर के गन्ने का आप क्या करेंगे? उससे तुम्हें क्या, तुम्हें अपनी बीवी को ठीक करना है ना, तो टेम्पो भर के गन्ने लेकर आओ। हाँ ले आएंगे, आप बोल दीजिए। हाँ ले आएंगे। तो ठीक है, कल इसी वक्त टेम्पो भर के गन्ने लेकर आ जाना, अभी मैं चलता हूँ। जी वो कब्रिस्तान में एक भटकती आत्मा है। वो जितने भी ड्रैकुलास हैं, वैम्पायर्स हैं, नाइट क्रीचर्स हैं, वो तू सबका बॉस है, he's the boss, he calls the shots. फायस का बॉस? जी, और उसने वादा किया है कि वो अंगूरी को प्रेत योनि से बाहर निकाल लेगा। और साथ ही साथ उसने हमसे बहुत सारे गन्नों की डिमांड की। God, जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा मोड़ आएगा कि कब्रिस्तान जाना पड़ेगा गन्ने डिलीवर करने के लिए। तिवारी जी, ओह वो नन्हा गन्ना। बड़ा सलीम बोल, पहुंच गया? हाँ ठीक है, तू यहीं रुक, हम आ रहे हैं। टेम्पो वाला आ गया। तिवारी जी, गन्ने लोड करना है। बेबी तुम चाय रहने दो, वैसे भी तुमसे उम्मीद नहीं थी। लेट्स गो। आई आपके पीछे खड़ा तो है टेम्पू। अब तो भाभी जी को ठीक कर दीजिए ना प्लीज। अभी नहीं, कल एक और टेम्पू लेकर आना गन्ने भर के, फिर भाभी जी को ठीक करूंगा। ठीक कर देंगे ना, प्रॉमिस ना? प्रॉमिस? अरे डोंट वरी डियर, पिंकी प्रॉमिस। अच्छा बताओ ना, हम लोग हनीमून पे कहाँ गए थे? हनीमून पे जाने वाले थे, लेकिन क्या हो गया ना कि आपका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। आप समझिए कि तब से ना हमारा जो हनीमून है ना वो पेंडिंग चल रहा है। इस बालक को अपनी धर्म पत्नी से पूरे 30 दिन तक दूर रहना होगा। फीशु जी, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे? हम ना किसी भी कीमत पर बाबा जी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। मैंने यो बता, काम हो गया के ना? काम तो ना हो पाया पुलिस का पहरा से। के कोमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गड्ढे भरने में सरकार की मदद की। कोमल बेटा उद्घाटन कर दे। अश्विनी कुमार, तुम कब तक रक्षा करोगे संतोषी के देह की? अब उसके देह को नष्ट करने के लिए हम ऐसे एक विषाणु से प्रहार करेंगे जिसका निर्माण असुरलोक में हुआ है। देवी पौलमी, बाहर निकलिए और अपनी वीरता का प्रमाण दीजिए। हम देवी संतोषी आपको चुनौती देते हैं। कौन है बलराम? किसका पुत्र है? कंस के सैनिकों को चकमा दे कान्हा तथा उनके सखा मथुरा जाने में सफल होते हैं। बालक। पिता के मना करने के पश्चात भी राधा बलराम की सहायता करने बैलगाड़ी में छिपकर गोकुल पहुंच जाती है। काका! क्या हुआ? काका ये टोकरी। जैसा जैसा आपने बोला था सब वैसा ही हो रहा है। अम्बा और उसकी बेटियां शाह बनने के लिए पैसों से लेकर नारी मोर्चे तक हर कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि वो नहीं कर रही बल्कि आप करवा रहे हैं। अब होगी प्रीत की बर्बादी।